फैजान लखानी हमारे साथ हैं। फैजान, हमने तो बड़ी डिटेल में बताया क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, और ये भी हम आपको एक डिस्क्लेमर दे दें कि पहले जब हमें नज़र आ रहा था ये बहुत बुरी ओपनिंग सेरेमनी है, वी डिड नॉट से अ वर्ड, अब तो खुल के बात सामने आ गई है, क्या कहेंगे आप? हुआ क्या था ये तो सभी को पता हो चुका है, अब बहुत ही शर्मनाक था, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। पहली बार पाकिस्तान में इस मैग्नीट्यूड का कोई इवेंट हो रहा था, प्रॉब्ली क्रू और जो परफॉर्मर्स, जो दीगर परफॉर्मर्स थे वो इतने तजुर्बाकार नहीं थे। असल कहानी ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कंपनी को आउटसोर्स किया था, उस कंपनी ने एक इंडियन शो डायरेक्टर हायर की, उनका नाम है शुभ्रा भरद्वाज, उनको हायर किया था। जो प्रॉब्लम आया कि वो बहुत बिल्कुल ये समझ लें कि 11th आर पाकिस्तान आई और सही तरीके से रिहर्सल का भी मौका नहीं मिल सका। एक शो डायरेक्टर को 15 से 20 दिन पहले यहाँ मौजूद होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। रिहर्सल भी इनफैक्ट जो PSL की ओपनिंग सेरेमनी की थी वो 2-3 दिन पहले ही शुरू हुई थी, तो इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें ये कह लें कि अनप्रिपेयर्ड थे। और तैयार कहते रहे ना कि तैयारों का शोर तो मचाते रहे, लेकिन यूँ लग रहा था कि शायद खुद ही तैयार नहीं है। लेकिन बड़ी मायूस कुन, जितनी ये कह लें कि हम समझ रहे थे कि PSL अब पाकिस्तान में आ रहा है, 5वां एडिशन है, चीज़ें एलिवेट होगी और बेहतर होगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। यूँ लग रहा था कि लाइव सेरेमनी की बजाय कि ये कोई रिकॉर्डेड शो बन रहा है जिसमें लंबे लंबे गैप्स आ रहे हैं। ग्राउंड पे देखें तो ऑडियो सही तरह समझ नहीं आ रही थी, इनफैक्ट अगर हम प्रोडक्शन पे भी देखें तो जो पब्लिक की ऑडियो थी जब नारों का वो रिस्पॉन्ड करते थे वो सही तरीके से नहीं आ रही, तो बहुत सारे ग्लिचेस थे। ट्रू, अब फैजान ये बताएगा, ये जो अहमद गुडेल वाला बिला वजह की मैं तो इसे कहूँगा कंट्रोवर्सी जो सामने आ गई, उनका कहना है कि उन्हें मेज़बानी करनी ही नहीं थी, उन्हें इमरजेंसी में भेजा गया था, तो ये इतना बड़ा इवेंट जो टीवी पे भी नशर हो रहा हो, इतना अनप्लान्ड हो सकता है कि चलो जी कोई नहीं मिल रहा तुम चले जाओ स्टेज पर और होस्टिंग शो ओपन कर दो, ये कौन देख रहा था सब कुछ? अहमद गुडेल बुनियादी तौर पर क्राउड चीयर लीडर है, इनका ये काम होता है। अगर आपने अक्सर जो पहले पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैचेस जब से रिवाइव हुई है या PSL के मैचेस होते थे तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि कराची में, लाहौर में ग्राउंड में बाउंड्री के साइड लाइन पर एक शख्स माइक लेके लोगों को जोश दिला रहा होता है। क्राउड चीयर लीडर जो होता है वो नारे लगा रहा होता है, पब्लिक उनको रिस्पॉन्ड कर रही होती है। अहमद गुडेल का यही बेसिक रोल होता है। जो मुख्तलिफ लोग जो सेरेमनी में इन्वॉल्व थे उनसे जो मुझे इत्तला मिली है वो ये मिली है कि अहमद गुडेल को कहा था कि सेरेमनी से पहले जाके कुछ पब्लिक अनाउंसमेंट सेफ्टी मेजर्स के हवाले से और दीगर जो वहां पे सेरेमनी में होने जा रहा था या लोगों के हवाले से वो उनको वहां पे अनाउंसमेंट कुछ करनी थी, कोई वो होस्ट के तौर पर उनको प्रॉब्लम वहां नहीं भेजा गया था, लेकिन जो इतना आती है कि वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड होस्ट बन गए, होस्ट फखरे आलम ही थे और उन्हीं को सेरेमनी को आगे लेकर जाना था, लेकिन ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, अब ये इसका जवाब तो प्रॉब्लम अहमद गुडेल ही दे जो आजकल सोशल मीडिया पे अब कुछ सिंपैथीज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैजान, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो बेचारे अहमद गुडेल को अगर आउट भी कर दो तो और भी बड़ी प्रॉब्लम्स थी वो तो प्रॉब्लम थी ही नहीं वो, हाँ, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो भी एक प्रॉब्लम बन गई थी। वो बेचारा एक ग्राउंड का चेयर लीडर था और वो जो करता ग्राउंड तक नहीं रहा ना, फिर वो देखिए उसे ऑन एयर करने वालों की गलती है, इसमें उस लड़के की कोई गलती नहीं थी, उस लड़के को तो वैसे ही बीच में एक पॉन बन गया, अदरवाइज देयर वर अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। और ये प्रॉब्लम्स क्यों हुई और क्या मसला चल रहा था पीछे, यही हमने आज पता करना है।